नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जून गुरुवार दोपहर 12 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लॉकडाउन में दुकानें खोलने का समय बदल सकता है। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में आधा दर्जन मंत्रियों ने यह मांग रखी है। उन्होंने कहा कि सुबह की बजाय दोपहर में दुकानें खुलें। व्यापारियों ने भी ऐसी मांग की है। दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक दुकानें खुलने से सबका फायदा है। इस दौरान ऑफिस आवर्स की भीड़ भी नहीं होगी। चर्चा के बाद इसका फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर छोड़ा गया है। अब सीएम कभी भी गाइडलाइन में बदलाव कर सकते हैं। बैठक में विशेषज्ञ डॉक्टर ने कोरोना पर प्रेजेंटेशन दी। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, इसके लिए अभी से पर्याप्त इंतजाम करना जरूरी है। कोरोना से बने हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी। हरियाणा ने भी इसी दिन 12वीं बोर्ड एग्जाम न करवाने का फैसला लिया। इसके ठीक एक दिन बाद यानी बुधवार को पहले गुजरात ने, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड और राजस्थान ने 10वीं और 12वीं की दोनों बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश में 12वीं के 7.5 लाख और गुजरात में 6,83,000 छात्र हैं। राजस्थान में 12वीं में करीब 9.5 लाख स्टूडेंट हैं, ऐसा माना जा रहा है कि और महाराष्ट्र भी इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं। दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के गोल गांव में बड़े जीमण का मामला सामने आया है। प्रशासन को यहां करीब 2000 लोगों का खाना होने की सूचना मिली थी। यह आयोजन किसी धर्म समारोह के उपलक्ष्य में किया जाना बताया जा रहा है। सूचना पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोजकों के खिलाफ 1 लाख का जुर्माना लगाया और जीमण को रुकवाया। प्रशासन ने खाने के लिए बनाई मिठाई व सामान को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई SDM गोपाल जांगिड़ एवं डिप्टी SP शंकर लाल मीना ने की। राजस्थान कांग्रेस में कलह और अब खुलकर सामने आने लगी है। बुधवार रात को हुई कैबिनेट की बैठक में गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल और शिक्षा मंत्री कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जबरदस्त भिड़त हो गई। दोनों नेताओं ने पहले कैबिनेट की बैठक में जमकर बहस हुई, फिर बैठक खत्म होने के बाद दोनों ने बाहर आकर एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक में कहा कि कांग्रेस ने फ्री वैक्सीनेशन की मांग करते हुए सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, अब हर जिला स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना चाहिए। इस अभियान को ग्राउंड पर भी उतारने की जरूरत है। डोटासरा के इतना कहते ही मंत्री शांति धारीवाल ने डोटासरा की बात काटते हुए कहा कि इसकी क्या जरूरत है, मंत्रियों का काम ज्ञापन देने का नहीं है। बीच में टोकने पर डोटासरा ने आपत्ति जताई तो धारीवाल भी अड़ गए और कहा कि मैं अपनी बात रखूंगा। इस पर दोनों में खूब बहस हुई, बात तूतू मैमे तक पहुंच गई। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीच बचाव किया, लेकिन वे नहीं माने। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब तक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, आदेश तो मानने ही पड़ेंगे। अभी तक पार्टी में जैसा मैं आदेश दूंगा वह सबको मानना ही पड़ेगा। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बांसवाड़ा जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने लाखों की नकली बीड़ी के मामले दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि भारी मात्रा में नकली बीड़ी जब्त कर टोंक निवासी जिसान को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मोतीलाल सारण ने बताया कि आरोपी टोंक से बांसवाड़ा बीड़ी बेचता था और फिर खुद ही यहां आकर बेचता था। अब तक जिले में लाखों रुपए की नकली बीड़ी आरोपी बेच चुका है। नकली बीड़ी को सस्ते में देने के साथ ही आरोपी पर 28% GST चोरी का भी आरोप है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अलवर जिले के खैरथल थाना क्षेत्र के किशनगढ़ बास SDM मुकुट सिंह चौधरी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध क्लिनिकों को सीज किया है। प्रशासन की कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों नीम हकीमों में हड़कंप मच गया। कई अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। SDM ने यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के आदेश पर की। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों ने कायराना हरकत करते हुए राकेश पंडित नाम के काउंसलर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया है कि काउंसलर को 2 PSO की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन वे त्राल अपनी सुरक्षा के बिना गए और उनके साथ ये हादसा हो गया। ये घटना बुधवार रात की बताई जा रही है, जब दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिला में त्राल में BJP नेता को आतंकियों ने गोली मार दी। हादसे के तुरंत बाद राकेश को पास के एक निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही पुलिस एक्शन में आ गई है, आतंकियों को पकड़ने की कोशिश है। झुंझुनू जिले के सलाना निवासी हवलदार अनिल धनकर ने माउंट एवरेस्ट चोटी फतेह की है। उन्होंने यह उपलब्धि 1 जून को हासिल की। हवलदार अनिल धनकर ने बताया कि सवेरे 6:30 बजे उन्होंने और उनकी टीम ने अभियान पूरा किया।
उनका यह अभियान 25 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। इसमें 8 सदस्य थे। 8 अप्रैल को यह दल माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचा। 21 अप्रैल को नेपाल की लबुचे चोटी पर चढ़ाई की और खुद को माउंटेन की परिस्थिति के अनुसार तैयार किया। 21 मई को खराब मौसम के कारण इन्हें बेस कैंप से सीधे कैंप 2 पहुंचना पड़ा। 24 मई से 28 मई तक भारी बर्फबारी के कारण कैंप 2 से 150 से अधिक पर्वतारोही वापस लौट गए, लेकिन उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और डटे रहे। 30 मई को ये लोग रवाना हुए। बीच में इसे कैंप 3 में रुकना था, लेकिन 1 जून सीधे कैंप 4 पहुंच गए और 1 जून सुबह 6:30 बजे माउंट एवरेस्ट फतेह किया और तिरंगा फहरा दिया। राजस्थान में 15 से 17 जून तक मानसून पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस बार मानसून जल्दी दस्तक देगा। पहले 25 जून को प्रदेश में मानसून के दस्तक की संभावना थी, लेकिन करीब 10 दिन पहले ही मानसून की प्रदेश में पहुंचने की संभावना है। राजस्थान के सभी जिलों में इस बार अच्छे मानसून की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।